नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम iText 7 के थ्रू अपने PDF पर इमेज को ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें किस इमेज को ऐड करना है। तो हमारा टारगेट है इस इमेज का, इसको ओपन करेंगे और ये एक इमेज है और इस इमेज को हम अपने PDF में ऐड करेंगे। तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो इमेज वहाँ से उठाकर हमें अपने प्रोजेक्ट में कहीं रखनी है। तो यहाँ पर राइट क्लिक और न्यू, और उसके बाद एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें हम इस इमेज को या फिर आने वाली और अगर एक से ज़्यादा इमेज आप ऐड कर रहे हैं तो उन सबको रखने के लिए एक डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी का नाम हम इमेजेस रख सकते हैं, इमेजेस, ठीक है। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, ये सेव कहाँ हो रही है, SRC टेस्ट रिसोर्सेज में एक डायरेक्टरी बन रही है इमेजेस, ठीक है। एंटर, वैसे वो यहाँ आ गई लेकिन बता रहा था यहाँ रिसोर्स में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हमने एक अलग से इमेजेस बना लिया जिसमें हम इमेज रखेंगे। अब उस इमेज को कॉपी और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट, राइट क्लिक और पेस्ट। नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ओके। इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है और अब हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं पहले ये लिस्ट वाला पोर्शन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो इसके पाथ को होल्ड करेगा। तो स्ट्रिंग img पाथ कर देते हैं, img पाथ, और यहाँ पर ये डायरेक्टरी नेम, और उसके बाद फाइल नेम। तो फाइल नेम है कृष्णा, और ये आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे पास पाथ आ गया है। उसके बाद अगली लाइन में इमेज डेटा का एक ऑब्जेक्ट, इमेज डेटा, ध्यान रहे यहाँ पर iText हो, और इसको कर देते हैं डेटा, या फिर इमेज डेटा भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ रहेगा इमेज डेटा फैक्ट्री, इमेज डेटा फैक्ट्री डॉट क्रिएट, और क्रिएट में इमेज पाथ, ओके। यहाँ आप एक रेड लाइन देख सकते हैं और यहाँ रेड लाइन में अल्ट और एंटर एक साथ, पहले अल्ट और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये दो ऑप्शन देता है, या तो मेथड सिग्नेचर में हम एक्सेप्शन ऐड कर सकते हैं या फिर इसे सराउंड विद ट्राई कैच। तो हम पहला वाला चूज़ करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और ये मलफॉर्म्ड URL एक्सेप्शन, ठीक है। अब तीसरी लाइन में हमें इमेज ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इमेज, और फिर ध्यान रहे कि इस पूरी इमेज लिस्ट में iText वाला इमेज, और इसको कर देते हैं इमेज वन, img ही कर देते हैं, ठीक है। img इक्वल टू न्यू इमेज, और ये हो गया डेटा, ठीक। तो अब हमारे पास एक इमेज ऑब्जेक्ट आ चुका है और इस इमेज ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे।
यहाँ तो डॉक्यूमेंट डॉट एड और IMG, ठीक। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर हमें कुछ रेड रेड मिला है और ये है कि PDF ओपन है, ठीक। PDF ओपन है तो PDF बंद कर देते हैं और फिर से रन। हाँ, एक वार्निंग आ रखी है, warn.com.itext PDF renderer root render element does not fit current area, ठीक है। और PDF क्रिएटेड हो चुका है और ये जो कह रहा है उसका भाव कुछ ऐसा है कि उसके कहने का मतलब ये था कि वो एरिया से बाहर जा रहा है। तो हम ओरिजिनल इमेज ओपन करते हैं, देखते हैं। हाँ, ये लगभग पूरा ही फिट हो गया, लेकिन एक वार्निंग दे रहा है। तो इस केस में अगर कभी आपका जो इमेज है या जो भी रिसोर्स है अगर बाहर जा रहा हो तो आप इसको बाहर से फोटोशॉप या किसी और सॉफ्टवेयर की मदद से उस इमेज को छोटा कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल तो ये फिट बैठ गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।